ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बुधवार की शाम को दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें संयम से रहने की सलाह दी है और लालू यादव फिलहाल अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास में रहेंगे। डॉक्टरों की सलाह पर एक सप्ताह बाद वो पटना भी जा सकते हैं। एम्स से छूटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कुछ पल के लिए मीडिया से बात की। देश में चल रहे लाउडस्पीकर और अजान के मुद्दे पर जारी विवाद के बारे में एक सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि लोगों को मस्जिद में जाकर नहीं बल्कि मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह सरकार मुसलमानों को जानबूझकर छेड़ रही है ताकि वे रिएक्शन दें और देश का माहौल खराब हो। मौजूदा सरकार देश को तोड़ना चाह रही है, लाउडस्पीकर कोई मुद्दा नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी सभी जाति और सभी धर्मों की पार्टी है। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात और नजदीकियों के सवाल पर कहा कि यह तो वही दोनों कह पाएंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष ने नीतीश और तेजस्वी के साथ आने की संभावनाओं को एक तरह से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तेज प्रताप यादव के इस दावे पर कि नीतीश कुमार जल्दी ही आरजेडी के साथ आने वाले हैं के दावे पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो मेरा बेटा है लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर हम निर्णय करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि इफ्तार पार्टी बिहार में हुआ उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां देखने को मिली, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सो वही कहेंगे दोनों। चाहते हैं कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए? ऐसा कोई बात अभी नहीं है। तेज प्रताप ने कहा था कि उनकी बात हो गई आपसे, आप बहुत जल्द आ जाएंगे साथ। तो वो हमारा बेटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने निर्णय कुछ नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।